नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आइए नजर डालते हैं आज के एंटरटेनमेंट की टॉप 5 बड़ी खबरों पर। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में फेसबुक लाइव के दौरान अपने खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ जमकर हमला बोला। खेसारी लाल यादव ने यहां तक कह दिया कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें सुशांत सिंह राजपूत बना देंगे। उन्होंने 11 मिनट के फेसबुक लाइव के दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में सब कुछ कह दिया। फेसबुक लाइव के दौरान वह भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, मैं उतना कमजोर नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे दर्शक हैं और देश की जनता है। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है। हाल ही में भोजपुरी सुपरस्टार काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पर बड़े आरोप लगाए थे। काजल ने खेसारी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां दिला रहे हैं। हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पे म्यूजिक डायरेक्टर प्यारे लाल संगीतकार संतोष आनंद आए थे। संतोष आनंद ने बताया था कि वे आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए हैं, उन पर काफी कर्ज भी है और लगातार वह मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। उनकी ये स्थिति जानकर नेहा कक्कड़ काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से उन्हें 5 लाख रुपए दान में दे दिए। नेहा कक्कड़ ने संतोष आनंद की आर्थिक मदद करने के साथ साथ भारतीय मनोरंजन उद्योग से भी अनुरोध किया कि वह संतोष जी की मदद के लिए आगे आए और उन्हें कुछ काम भी दें। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और उनकी एक्स वाइफ आरती बजाज की बेटी आलिया कश्यप ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर करके बताया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें शेयर करना कितना भारी पड़ रहा है। आलिया कश्यप ने कहा है कि सोशल मीडिया नकारात्मकता की चीज है जिसके बारे में वह जानती हैं। उन्होंने कहा कि वह बेहद संवेदनशील इंसान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन छोटी से छोटी नफरत मुझे परेशान करती है। मैं बेहद संवेदनशील हूँ, मैं लगभग हर दिन रोती हूँ। लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए और इस तरीके के कंटेंट को मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। लोग मुझे बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, मुझे वेश्या तक बुला रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा रेट क्या है, मुझे मेरे परिवार का मौत का खतरा है। अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी कंगना रनौत ब्रेक लेके ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं का दर्शन किया। अपने ओडिशा दौरे का एक वीडियो एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो सिक्योरिटी से घिरी हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा है कि हमने हमेशा कृष्ण और राधा को साथ में देखा है, लेकिन पुरी जगन्नाथ में भगवान कृष्ण अपने भाई बहनों यानी कि बलराम और सुभद्रा के साथ भी नजर आए। उनके हार्ट चक्र के धड़कने की ऊर्जा से पूरे जगत हील करने वाली और सुकून देने वाली मिठास से भरी हुई है। और अंत में हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर के मेनन की, जिन्हें दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का सम्मान मिला है। के मेनन ने अपने इस अवार्ड की जानकारी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर साझा की। के मेनन ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट में ट्रॉफी की तस्वीर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल को टैग करते हुए धन्यवाद भी कहा। के मेनन ने बॉलीवुड में सन 1995 में आई फिल्म नसीम से डेब्यू किया था, हालांकि उन्हें असली पहचान मिली साल 2004 में आई ब्लैक फ्राइडे से। तो ये थे आपके लिए एंटरटेनमेंट की आज की सुर्खियां। बाकी एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।